आप देख रहे होंगे धरना लगातार चल रहा है और आप लोग जगह बताइए, आप देख सकते हैं आज कितनी भयंकर भीड़ है और यहाँ पर आप देख रहे होंगे चारों अपने अधिकारों को जाना, अधिकारों के लिए अपनी मांगों के लिए धरने पे जरूर आइए, बहुत जल्द हम लोगों की मांगे पूरी होने वाली है। आपके अधिकारों को छीनने का जो प्रयास किया गया करके बताइएगा, आगे आपको दिखाते हैं। कंजारी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आवाज दो आवाज दो हमारे मोटिवेशन टीम के अध्यक्ष कौशल किशोर आदित्य और मोटिवेशन टीम के साथी रमेश चंद जी की कल जिस गाड़ी से वो किसी पार्टी को अटेंड करने के लिए उन्नाव की तरफ जा रहे थे, जाते वक्त लगभग लखनऊ से 40 किलोमीटर की दूरी पर एक सड़क दुर्घटना अंजाम दी गई, क्योंकि वो पूर्व में भी आगाह किए थे शासन और प्रशासन को कि हम लोगों के खिलाफ निरंतर शुरुआत से अब तक साजिश ही रची जा रही है। उन साजिशों के शिकार तो ये नहीं हुए, इस बात की मैं शासन और प्रशासन से जांच की मांग करता हूं, ताकि दूध का दूध पानी का पानी अलग अलग हो सके। यदि ये मार्ग दुर्घटना अधिकारियों की किसी साजिश का परिणाम हुआ तो अंजाम बहुत बुरा होगा, क्योंकि ना हमसे एलडीए की दूरी ज्यादा है, ना सीएम आवास की, ना विधानसभा की, किसी चीज की दूरी हमसे ज्यादा नहीं है। इसलिए अगर धैर्य टूटा तो बहुत बड़ी समस्याएं पैदा हो जाएंगी शासन और प्रशासन के लिए। आज हम लोगों की उधर सबको स्वास्थ्य को देखते हुए कुछ कार्रवाई करने का टाइम नहीं मिला, लेकिन कल पत्र के माध्यम से शासन प्रशासन पुलिस सबको जानकारी देकर ये आग्रह करेंगे हम लोग कि इस मामले की तत्काल में जांच की जाए, अगर कोई दोषी सिद्ध होता है तो दोषी के खिलाफ तत्काल जांच कर उसको जेल में डालने का काम करें, क्योंकि हम किसी से कोई भीख नहीं मांग रहे हैं, केवल हम अपने हक अधिकार के लिए जिनसे अब तक हमको वंचित रखा गया हम उन्हीं के लिए अपना संघर्ष जारी रखे हैं। तो आप लोगों के पेट में दर्द क्यों हो रहा है, क्योंकि आज तक हमने सिर्फ आपसे मांगा था कि आप बड़े भाई हैं हमारे, इसलिए आपका नैतिक दायित्व और पद की गरिमा को रखते हुए आप हमारी मांगों को शासन प्रशासन तक पहुंचाइए और हमारी मांगों को पूरा कराइए। जिस संबंध में आपने आज तक कोई कार्रवाई नहीं की और यदि कोई कार्रवाई की है तो केवल हम कर्मचारियों का और मोटिवेशन टीम का सिर्फ मनोबल गिराया है या तोड़ने की कोशिश की है, इसके सिवा आपने कोई भी कार्य नहीं किया है। आपसे अपेक्षा थी
नहीं कि जो बुद्धि और कलम की ताकत आप हमारा नुकसान करने के लिए बराबर इस्तेमाल कर रहे हैं, आप दो महीने से उस कलम की ताकत और अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए अगर हमारी मांगों को आपने शासन तक पहुंचाया होता तो शायद अब तक हम लोग आराम से अपने कार्य को अंजाम देते हुए घर पे विश्राम करने का कार्य कर रहे होते, ना कि धरना स्थल पर अपनी मांगों को लेकर आए हुए होते। इसलिए आपसे अपेक्षा है, उम्मीद है कि अभी वक्त है, गुजरा नहीं, क्योंकि जब जागो तब सवेरा। आज भी आप अपने पापों को धुल सकते हैं हमारी मांगे पूरी करवा के और हमारे साथ सहयोग बरते हैं, क्योंकि जो मांगे हमारी हैं इसमें आपकी भी मांगे सम्मिलित है। इसलिए आपसे पूरे सहयोग की अपेक्षा है। लेकिन कल वाली दुर्घटना हमारे दिल में शंका भी पैदा करती है और आपके प्रति नफरत भी, क्योंकि हमारे साथियों का जो भी नुकसान हो रहा है वो आपके कारण, क्योंकि आपने हम सबको आर्थिक और मानसिक क्षति पहुंचाई है, जिसका कि परिणाम कल सड़क दुर्घटना में देखने को भी मिला, क्योंकि सारे लोग लगभग डिप्रेशन में हैं, क्योंकि किसी के पास इतना धन नहीं है कि वो लखनऊ जैसे सिटी में दो मिनट भी गुजार सके। लेकिन हमारी मजबूरी कि हम लोग जीने के लिए मजबूर हैं और आप साजिश पे साजिश, साजिश पे साजिश रचते चले आ रहे हैं। तो कल हम लोग शासन प्रशासन से भी मांग करेंगे कि आप सड़क दुर्घटना जो ये हुई है कल, जिसमें हमारे दो भाई और परिवार उसमें मौजूद थे, उसकी विधिवत जांच कराइए, क्योंकि वो किसी अधिकारी के द्वारा नहीं बल्कि न्यायिक होनी चाहिए, क्योंकि हमको आपके कार्यों के प्रति भी शंका ही दिखती है कि यदि कोई आपके बीच का व्यक्ति जांच करेगा तो संभवतः न्याय की उम्मीद हमें नहीं है। इस कारण हम शासन प्रशासन और माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से फिर आग्रह करना चाहेंगे कि सड़क दुर्घटना की न्यायिक जांच के आदेश दीजिए और इसकी जांच कराइए, और हम लोगों की जो भी मांगे हैं ये 10 सूत्री मांगे हमारी तत्काल में पूरी करवाकर शासनादेश निर्गत करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित करें और धरने का समापन करवाएं, क्योंकि अब हम और ज्यादा साजिशें बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हमारा टूट गया तो दिक्कतें पैदा हो सकती हैं, हम ईंट से ईंट बजा के रख देंगे, क्योंकि हमारे सब की इंतहा हो चुकी है बहुत ही ज्यादा, और हमारे भोलेपन का सिर्फ फायदा उठाया जा रहा है, बाकी कुछ नहीं किया जा रहा है। ओएसडी महोदय से वार्ता हुई थी, उन्होंने हमारी सारी मांगों को जायज मानते हुए कहा भी था, पूर्ण रूप से आश्वासन दिया था कि आप लोग धैर्य के साथ धरने पे बैठे, आप लोगों की मांगे 2-4 दिन में पूरी करके शासनादेश धरना स्थल पर भेजकर प्रतिनिधि के साथ और आपके धरने का समापन करवा दिया जाएगा। महोदय, आपसे बड़ी आशाएं हैं हम कर्मचारी भाइयों और बहनों को कि हमारे शासनादेश आप तत्काल निर्गत करवा के भेजिए, क्योंकि ऐसा ना हो
इन साजिशों के चक्कर में हम लोग अपना आपा खो दें, जिससे कि आपको भी कुछ कहने का मौका मिल जाए। इसलिए आपसे हमारी करबद्ध प्रार्थना है कि तत्काल में हम लोगों के सारे आदेश निर्गत कर धरना स्थल पर किसी प्रतिनिधि के माध्यम से भिजवा कर धरने का समापन करवाएं। हम इसके लिए पूरा स्मारक परिवार आपका सदैव ऋणी रहेगा। धन्यवाद। साथियों, टाइम भी हो चुका है धरने के समापन का, कुछ विलंब भी हो चुका है, तो इस कारण आप सब लोग खड़े हो जाइए और जो लोग पीछे हैं पीछे की कतार में आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अधिकारियों होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अधिकारियों होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अधिकारियों होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। मांग हमारी पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो। मांग हमारी पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो। मांग हमारी पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं। बंजारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मांग हमारी पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो। मांग हमारी पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो। मांग हमारी पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मांग हमारी पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो। मांग हमारी पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो। मातरम, जय भारत, जय भारत।